हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो 14 जून से क्या क्या अनलॉक में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको सारी अपडेट्स आपको बताने वाली हूँ। तो इसी तरीके से हर रोज मैं दिल्ली की न्यूज भी आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, ताकि आप हर एक न्यूज से अपडेटेड रहें। तो खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो COVID-19 मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखने के बाद दिल्ली सरकार ने शहर में और भी अधिक रिलैक्सेशन की घोषणा कर दी है, अनलॉकिंग को आसान बना दिया है। तो सीमित मजदूरों के साथ कारखानों और निर्माण गतिविधियों की अनुमति देकर 1 जून 2021 को दिल्ली ने अपनी अनलॉक प्रक्रिया को शुरू किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण अनलॉक की घोषणा की। हालांकि स्कूल, बार, त्योहार, समारोह ये सब बंद रहेंगे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है, कल सुबह 5 बजे के बाद कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जो प्रतिबंधित होंगी, और कुछ गतिविधियां जो प्रतिबंधित तरीके से की जाएंगी। तो दिल्ली अनलॉक 3 में क्या खुला है क्या बंद। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक पार्क, B2B प्रदर्शनियां भी अभी बंद रहेंगी। दिल्ली में त्योहार और राजनीतिक समेत सभी तरीके की सभाओं पर पाबंदी है। आवश्यक गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। इसके साथ ही निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ए के अधिकारियों की 100% उपस्थिति और बाकी के 50% उपस्थिति के साथ कार्य करना। बाजार परिसरों को सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक अनुमति रहेगी। तो बाजार आपके ओपन हो गए हैं। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ काम करेंगे, तो रेस्टोरेंट्स भी आपके ओपन हो गए हैं। साप्ताहिक बाजारों की अनुमति है, लेकिन COVID-19 प्रतिबंधों के साथ प्रति क्षेत्र केवल एक ही बाजार होगा। तो वीकेंड मार्केट्स हैं वो भी खुल गई हैं। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। दिल्ली मेट्रो और बस सेवा को 50% क्षमता के साथ अनुमति है। मेट्रो पहले से चल रही है और बस भी अभी स्टार्ट हो गई है। धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत, लेकिन कोई भी आगंतुक नहीं होना चाहिए। ऑटो, ई रिक्शा या टैक्सियों में 2 से अधिक यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की अनुमति नहीं है। 2 से अधिक यात्री नहीं हो सकते हैं, और जो 2 बैठेंगे उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। सार्वजनिक स्थान जैसे कि बैंकेट हॉल या होटलों में शादियों की अनुमति नहीं है, केवल 20 लोगों के साथ अदालत या घरों में ही जो है शादियों की अनुमति रहेगी। तो ये है दिल्ली की गाइडलाइंस जो दिल्ली की ओपन हुई है अभी अनलॉक 3, इसमें इन सीन सब चीज़ों की गाइडलाइंस दी गई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देर है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके साथ ही आपको सभी अपडेट्स अपने घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।